चारकोर्ड्स पे मैंने प्ले किया था। हनी सिंह ने गाया है, वैसे तो मुझे पुराने वाला ज्यादा पसंद है, कुमार सानू वाला आशिकी मूवी से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, बट ये वाला काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, तो ये वाला सिखा देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से सिखा देता हूँ मैं। ए माइनर पे है, इसका इंट्रो पार्ट लेते हैं। तो और जिसको बार कोड्स नहीं आते कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओपन कोड्स ले सकता है वो, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ठीक है, ऐसे ले सकता हूँ मैं। क्लीन नहीं लेता एफ, ये वाला प्ले नहीं कर पाते होंगे आप ये बार कोड्स पे, तो आप ट्राई कर लिया करो। ये मैं लास्ट का ई स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग मैं प्रेस नहीं करता, मैं बी स्ट्रिंग प्रेस करता हूँ और सेम शेप रहती है। तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुरा, तो इस पे भी निकल जाता है, ठीक है। तो जब जब मैं बोलूंगा ए माइनर, आप ओपन कोड से प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल बार कोड्स पे आपको बता रहा हूँ। तो इंट्रो जो है इसका टट टट टम टम, तो मैं क्या करूं, ए माइनर है, जी तक जाता हूं मैं, ई ए डी जी टट टट टम, सीधा ये दोनों शेप उठा के नीचे, छोटी फिंगर मेरी जी पे और ये थर्ड फिंगर मेरी डी पे, तो कुछ नहीं करता मैं, सिर्फ स्विच कर दू टंग टंग, ठीक है। तो जब मैं नीचे वाले पे जाता हूं तो मैं डी जी एंड ई, तो साउंड आता है। इसकी भी ट्रिक है टंग, तो अगर आप प्रेस करे रखोगे तो ट्रंग साउंड जाता रहेगा, लेकिन आप, मैं छोड़ देता हूँ एकदम, प्रेस करके एकदम छोड़ देता हूँ, टम साउंड कट जाता है, तो वही म्यूजिक बन जाता है। तो ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा ये वाला। तो इस पे आते हैं, हर पल मेरी आता, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जी लेते हैं, हर पल मेरी आता, यादा विच तू दिल दी गल मैं दसा, ते दसा फिर किन्नू, आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड देख लो मैं कहां पे चेंज करता हूं कोर्ड्स। मैं स्लो प्ले करूंगा, हर पल पल बोलते ही मैं स्ट्रमिंग स्टार्ट करता हूं, हर पल मेरी, हर पल पल पे, हर पल मेरी यादा विच ऐ तू दिल दी गल मैं दसा, ते दसा फिर किन्नू, गाने में फिर स्ट्रमिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैंने अपने कवर में ऐसे प्ले किया, तेरी मेरी मेरी तेरी एक चिंदड़ी है, एक चिंदड़ी बट्टू डू, झूमू मैं नाचू मैं गाऊं ते लिखूं तेरे लिए क्या क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या क्या करूं। तो यहां से मैंने स्ट्रमिंग शुरू किया है, तो स्ट्रमिंग का बता देता हूँ आपको। और जब हम सिंगल स्ट्रम से प्ले करते हैं, सिर्फ मैं गाना वर्ड टू वर्ड और ये करता रहता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपको इजी तरीके से बताने का, तो आपके माइंड में एक टाइमिंग सेट हो जाती है, उससे क्या होता है कि इजी हो जाता है गाना। तो जो भी बिगनर होगा सीख रहा होगा, मैं इजी तरीके से सिखाने के लिए थोड़ा बहुत जाना चाहता हूँ। तो झूमू मैं नाचू मैं गाऊं मेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे ऐसे ही जिसको ओपन कोड है, झूमू मैं नाचू मैं गाऊं मनन मेरे लिए क्या क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। सबसे इजी जो स्ट्रमिंग है वो वाली बताऊं, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन, धीरे डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप डाउन अप अप डाउन, समझ में नहीं है, ध्यान से देखो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, डाउन डाउन अप अप डाउन, थोड़ा सा रुकता हूँ पॉज लेता हूँ, हम्म
ये तो इजी वाली होगी, थोड़ा सा एक सिंगल स्ट्रम से एक स्टेप ऊपर गए हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, लेकिन कंटिन्यूटी लाने के लिए और बनाने के लिए कि एक रिदम सी बनती रहे हमारी, तो उसके लिए डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और इससे भी कंटिन्यूटी लाने के लिए और अच्छा है तो डाउन अप और ऐड कर देता हूं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। लेकिन इजी से प्ले करना चाहते हैं तो ट्राई किया करो ये डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रमिंग यूज करते हैं इसकी, मेरा भी हो जाता है। तो इसके बाद क्या कहते हैं वो बोला है, इस पर सिंगल स्ट्रम ले लो, बेस्ट है। शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम, नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम। अगर अच्छे से गाओगे, अच्छे से प्ले गाओगे तो अच्छा लगेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। तो जब मैं एक कोर्ड से दूसरे पे जाता हूँ तो डाउन डाउन अप ये ऐड कर देता हूँ सिर्फ इसमें, तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में डाउन अप आना, धीरे धीरे से डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। इसके बाद जल्दी से चेंज, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को जाना। इसके पास बाद वाला जो पैराग्राफ है वो भी सेम है, ऐसे ही जाएगा। इतना आइडिया आपको इतना आइडिया लग गया होगा आपको। और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, जो भी मेरा वीडियो डलता है सबसे पहले आप तक पहुँचता है। और पहुँचने से क्या होता है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, कुछ रेस नहीं लग रही है, मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों का ही फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा लोगों के पास मेरा ये लेसन और सीखने वालों का लोग तक पहुंच रहा है। और आपको पता है जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा तो उतना ही ज्यादा मैं टाइम निकालूंगा, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा वीडियोस, ज्यादा लेसन्स। तो इसलिए सब्सक्राइब शेयर भी किया करो मेरे वीडियोस, और शेयर करोगे हो सकता है आप जैसे कोई भाई बहन या जो भी वीडियो देख रहा है उस तक पहुंच जाए जिसको जरूरत है सीखना हो, तो इसलिए शेयर किया करो। और